लास्ट वीक तो सिर्फ मार खाया था, लेकिन आज उन्हें इस तरह से पीटा गया कि उनके फेस पे कट लगने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। यार पहले ही सही था जब रोमन रेंस का राज स्मैकडाउन के साथ साथ मंडे नाइट रॉ में भी था, क्योंकि ब्रांड स्प्लिट कर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लाने के बावजूद भी WWE मंडे नाइट रॉ का कचरा कर रही है। तो हे गाइस वेलकम है आप लोग का आज के इस कमाल के वीडियो में। बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। लिटरली गाइस सच कहूं तो मंडे नाइट रॉ में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए दो काफी कमाल की अपडेट्स है जो कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की दुनिया हिला देने वाली है। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग मंडे नाइट रॉ में हुए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के सेगमेंट के साथ करते हैं, क्योंकि गाइस रॉ का मेन टाइटल उनके पास है तो इनके बारे में बात करना तो बनता है। तो सेथ के रिंग में आने के बाद वो खड़े होते हैं और क्राउड उनका गाना गा रहा होता है। फिर गाइस मंडे नाइट रॉलिंस में क्राउड का स्वागत करने के बाद सेथ रॉलिंस इंट्रोड्यूस करते हैं क्राउड में बैठे NXT चैंपियन कार्मेलो हीस को। लास्ट वीक जब NXT में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो रहा था, मैच को जीतने के बाद रॉलिंस जा रहे होते हैं लेकिन फिन बैलर पीछे से उनपे अटैक कर देते हैं एंड वो काफी ब्रूटल तरीके से स्टील चेयर से उनपे अटैक कर रहे होते हैं। जब फिन बैलर अपना फिनिशर कुड़ेगरा सेथ रॉलिंस को लगाने के लिए जा रहे थे, तब उस समय उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं कार्मेलो हीज। तो इसलिए गाइस सेथ रॉलिंस आज लास्ट वीक के लिए कार्मेलो हीज को थैंक्स भी कहते हैं एंड वो उनसे ये भी कहते हैं कि कल होने वाले NXT में वे बैरन कॉर्बिन पे अटैक कर उन्हें सबक सिखाए, क्योंकि गाइस NXT में कार्मेलो और कॉर्बिन का फ्यूड चल रहा है ना। अब गाइस इसके बाद सेथ रॉलिंस अपने मनी इन द बैंक के ओपोनेंट फिन बैलर के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने फिन बैलर से पूछा कि मनी इन द बैंक में मुझे कौन सा फिन बैलर मिलेगा, वो डीमन वाला या फिर ये जजमेंट डे वाला। इसका जवाब उन्हें तब मिला जब लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में और इसके बाद हुए NXT में फिन ने उनपे अटैक किया। इसका मतलब ये है कि यही फिन बैलर होगा मनी इन द बैंक में उनका ओपोनेंट। इसके बाद गाइस सेथ फिन बैलर को कॉल आउट कर रिंग में आने को भी कहते हैं, लेकिन फिन बैलर यहाँ नहीं आते हैं। फिर रॉलिंस कहते हैं बैलर अब तक के खतरनाक सुपरस्टारों में से एक है, लेकिन वो क्या सोचता है मुझसे सब कुछ लेना उसकी किस्मत है। जिस तरह से 7 साल पहले उसने मुझे हरा के पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता, मैं मानता हूँ कि मैं 100% फिट नहीं हूँ और मनी इन द बैंक तक भी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि मनी इन द बैंक में फिन बैलर अपना कोई भी वर्जन लेकर आए, लेकिन मेरा वर्जन फिन बैलर के वर्जन से कई गुना बेहतर होगा। अब इसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि फिन बैलर अटैक कर देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस पे। बैलर के अटैक करने के बावजूद भी सेथ ही उन्हें पीटते जा रहे थे, लेकिन फिर गाइस फिन बैलर सेथ को स्टील स्टेप पे धक्का दे देते हैं एंड अब वो उनपे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने किक से अटैक करने के बाद अब फिन बैलर सेथ को और डैमेज करने के लिए स्टील चेयर को लाने के लिए जाते हैं, लेकिन कार्मेलो हीज उनके हाथों से स्टील चेयर को छीन लेते हैं। फिर गाइस रॉलिंस वापस से अटैक करने के लिए जाते हैं फिन बैलर पे, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाते हैं कि फिन बैलर वहां से भाग जाते हैं। फिर गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि इस ब्रॉल के बीच सेथ के फेस पे कट लग जाता है, जहां से गाइस ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस ये था आज का मंडे नाइट रॉ। मनी इन द बैंक से पहले का गो होम एडिशन था, लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ खास कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जो हम लोगों के लिए तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेथ रॉलिंस के लिए काफी डेंजरस होने वाला है। गाइस लेफ्ट साइड वाला इमेज देखिए, यहाँ सेथ रॉलिंस के हाथ में मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है और इस ब्रीफ केस के अंदर सेथ का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। इस चीज का गाइस आप लोग मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि इस साल मनी इन द बैंक तो सक्सेसफुली कैसिन होगा ही और ये कैसिन होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर। एंड अगर कैसिन हो रहा है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि सेथ रॉलिंस के हाथों से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जाने वाली है। और दूसरा खतरा गाइस राइट साइड वाला इमेज बताएगा, जहां हमारे ड्रू मैकएंटायर मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न करने वाले हैं। ये न्यूज गाइस PW Insider की है, ये आप लोग देख सकते हो। और गाइस रूमर ये भी है कि ड्रू मैकएंटायर अपना रिटर्न एज अ हील सुपरस्टार करेंगे एंड स्पेकुलेट ये किया गया है कि ड्रू मैकएंटायर के रिटर्न के बाद WWE डायरेक्ट उन्हें टाइटल पिक्चर में डालने वाली है। या तो गाइस ड्रू मैकएंटायर सेथ और फिन के मैच के बाद जब सेथ रॉलिंस अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे तो ड्रू मैकएंटायर यहां अपना रिटर्न कर सेथ पर एक ब्रूटल अटैक कर सकते हैं, या तो गाइस उनकी एंट्री मनी इन द बैंक के लैडर मैच में एज अ सरप्राइज सुपरस्टार होगी, जहां गाइस फैंस सोच रहे हैं इस साल के मनी इन द बैंक के विनर एले नाइट या फिर लोगन पॉल होंगे। अगर ड्रू की इस लैडर मैच में एंट्री हो जाती है तो गाइस इस हील स्कॉटिश साइकोपैथ को मिस्टर मनी इन द बैंक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते हैं तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और गाइस आज हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ में देखा WWE में अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के डॉग फियोन की एंट्री हो गई है। तो ठीक है गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।